सो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो गाइस। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आप लोगों ने जियो सिम पे कॉलर ट्यून सेट कर ली है और आप लोग डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो। गाइस, आज की वीडियो में आप लोग ही बताने वाला हूँ। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, पहले मैं आप लोग लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊँगा, जैसे मैं अपने अपने कॉल लगा इस फ़ोन से, ठीक है। चलिए, मैंने कॉल लगा ली है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर कॉल या फिर रूम भेजिए, यहाँ पे कॉल आएगी, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं इस कॉल को डीएक्टिवेट करना चाहती हूँ, यानी कि इस रिंगटोन को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। तो गाइस, क्या करना है आप लोगों को, आप लोग सबसे पहले माई जियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है। माई जियो एप्लीकेशन जहाँ से आपने कॉल टोन सेट किया उसी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर माई जियो एप्लीकेशन ओपन किया है। इसके बाद गाइस, क्या करना है, आपको यहाँ पे मिल रहा है कुछ इंटरफेस, यहाँ पे देखना म्यूज़िक, देख सकते हो ऊपर साइड में म्यूज़िक, म्यूज़िक पे क्लिक कर लेना, ठीक है। म्यूज़िक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे कई सारे यहाँ पे म्यूज़िक आ जाएंगे, ठीक है। तो गाइस, आप लोग आए गाइस, क्या करना, नीचे साइड में यहाँ पे देखने मिल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे जियो टून्स, इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप लोग जियो टून्स पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे देख, सो गाइस, ऊपर साइड में यहाँ पे देखने मिला योर करंट जियो टून, ये करंट पे जियो टून लगी है, इसको क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, यहाँ पे डीएक्टिवेट करने के लिए और कैंसिल करने के लिए। तो आप लोग डीएक्टिवेट करना है, ठीक है, तो आप लोग डीएक्टिवेट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यस कर देना, ठीक है। यस करने के बाद यहाँ पे डीएक्टिवेट यहाँ पे रिंगटोन हो जाएगी, देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग वेट कर लेना, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ पे रिंगटोन होगी, जो भी लगी होगी वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा डीएक्टिवेट, ठीक है। इसके बाद हम इस फोन में कॉल लगाएंगे, तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे डीएक्टिवेट हो गई या नहीं, ठीक है। चलिए, हम दोबारा से कॉल लगा के हम आपको लाइव दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइव दिखाएंगे, देख सकते हो, ठीक है, ठीक है गाइस। सो गाइस, बड़ी कमाल काम ने जो भी हमने आपको ट्रिक बताई है और जो भी हमने आप लोगों को सेटिंग बताई, इस तरीके से आप कर लेना, ठीक है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। तभी भी आपको माई जियो एप्लीकेशन में आपका रिंगटोन लगा ली है या फिर जियो सिम पे रिंगटोन लगा ली, तो आप लोग इस तरीके से डीएक्टिवेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। तभी भी कुछ डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे। गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली न्यू लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक लिए इस वीडियो में लेते हैं विदा, टेक केयर, बाय बाय।